कान्हा तेरी छवि निराली मन मंदिर में ससे बिहारी। भाद्र पक्ष अष्टमी पर शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। सांस्कृतिक आयोजनों के बीच मध्यरात्रि का इंतजार हुआ। जैसे ही रात के 12 बजे बधाई और मंगल गीतों से शहर गूंज उठा। संवेद स्वर में गूंजे बधाई गीत। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की व भैया कृपला दीन दयाला ने समूचे माहौल में भक्ति भाव खो दिया। पूरे दिन के उपवास के बाद प्रसाद वितरण के साथ भक्ति उत्साह और उत्सव की जीत रेवनी बही उसका सिलसिला देर रात तक जारी रहा। शुक्रवार को दोपहर बाद हुई तेज बारिश से जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे श्रद्धालु थोड़ा परेशान जरूर हुए, लेकिन देर शाम बारिश बंद होने के बाद रंग बिरंगी झालरों से तमाम जगहों पर सजी झांकियां चमक उठी। जलकल भवन 2 सालों बाद इस साल पूरा रोपड़ था। शाम से ही सुंदर सजी झांकियों को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा था। श्रद्धालुओं के लिए की गई बैरेक्टिंग दर्शन में सहायता कर रही थी। इधर गीता वाटिका के राधा कृष्ण मंदिर में सजी जेल के आकर्षण झांकी देखने में श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा। यहां आरती के बाद पूर्ण शोपचार विधि से पूजा अर्चना की गई। मंडलीय जेल में कैदियों की बैरक में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। पुलिस लाइन्स में झांकियों के बीच सांस्कृतिक आयोजन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। रजे कैंप में भजन कीर्तन का सिलसिला देर रात तक चला। आरपीएफ बैरक स्टेशन रोड आरपीएफ लोन दुर्गा बारी आदि में जन्माष्टमी की खासी धूम रही। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मोहद्दीपुर में सजी झांकी ने भी लोगों को खूब लुभाया। मोहद्दीपुर के गोपाल मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं की झांकी देखने के लिए देर रात तक लंबी कतार लगी रही। कोरोना काल के 2 सालों बाद इस साल जन्माष्टमी पर जलकल भवन के बाहर और पुलिस लाइन्स में मेला लगा। झांकियां देखने पहुंचे लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया। बच्चों का आकर्षण तरह तरह के खिलौने को लेकर था तो महिलाएं खान पान के स्टॉल पर ज्यादा नजर आई। जन्माष्टमी पर्व पर बृहस्पतिवार की शाम से ही लोग एक दूसरे को बधाइयां व शुभकामनाएं देने लगे थे। शुक्रवार को दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट्स पर लोग भगवान श्री कृष्ण के चित्र व वीडियो के साथ मैसेज शेयर कर शुभकामनाएं देते रहे।